मेडिकल जांच करवाए, अगर हम गलत है तो हमको सजा होना चाहिए। हम अररिया जिला को गंदा कर रहे हैं, अररिया क्या पूरा बिहार को गंदा कर रहे हैं। अगर हम गलत है तो हमको सजा होना चाहिए, नहीं तो हमको न्याय चाहिए। जितना सवाल एक पति को छोड़ के दूसरा प्रेमी से आपको प्रेम हो जाता है एक लड़के से, अब क्या कि आप दोबारा आपको प्रेम नहीं होगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये कड़वा सवाल है, जब आप अपने पति को छोड़कर दूसरे के संग आ सकती हैं, पांच को बच्चा होते बिना लाज शर्म का, तो दूसरे को छोड़कर तीसरे में घुस सकती हैं? हम अपना घर हम गलत है ना, हम एक को ही गलती के, मेरा घर वाला अगर सही रहता तो हम बाहर नहीं जाते। अगर वो हमको अच्छा से रखता, इज्जत से रखता तो हम थोड़ी भटकते। अगर हम वहाँ गए, हम काम करके खा रहे थे तो क्या हमारा गलती है? काम कर रही थी आप। मेरा कड़वा सवाल यही है, इसका जो पहला पति है वो पति हिंदू संस्कृति रीति रिवाज में जो है जब तक तलाक नहीं लेता है तब तक वो लड़की दूसरा शादी नहीं करती है, तो इसके पास तलाक का कोई एविडेंस नहीं है, क्या कहना चाहती है? हाँ, आप बताइए, अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सात जन्म फेरा लिए थे ना उनके साथ, सुरेंद्र कुमार पासवान के साथ आप, तो उसको फेरा को आप नहीं निभाए, साफ तौर पर इनका कहना, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, मेरा वहाँ समाज के सामने में बॉन्ड बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ प्रूफ कीजिए। वो बॉन्ड आपके पास कहाँ है? वो बॉन्ड हमको जब भगा दिया, देखिए हमको जब भगा दिया तो हम वहाँ क्या करते, कथी रख के हम अपना चल गए, हमको घर से निकाल दिया, बाल बच्चा की सारा गलती आपका पहले पति का। जी एकदम, सवाल लेंगे आपसे भी। मेरा हमारा बाल बच्चा के साथ भगा दिया, हम चल गए अपना, हम वहाँ से हट गए। चलिए एक सवाल रिंकेश भैया, अगर आप किनसे करना चाहिएगा? देखिए एक चीज बताइएगा, आप आपके पहले पति थे, दूसरे पति, दूसरा आप कह रहे हैं कि पति है, अब पति है कि नहीं है वो बाद की बात है, प्रेमी आपका, आप एक पति को छोड़ के दूसरा प्रेमी से आपको प्रेम हो जाता है एक लड़के से, अब क्या निश्चित है कि आप दोबारा आपको प्रेम नहीं होगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये कड़वा सवाल है, जब आप अपने पति को छोड़कर दूसरे के संग आ सकती हैं, पांच को बच्चा होते बिना लाज शर्म का, तो दूसरे को छोड़कर तीसरे में घुस सकती हैं? हम अपना घर वाला को हम नहीं छोड़े, वो हमको भगाया घर से। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइएगा, बार बार आप ही को सब काहे छोड़ रहा है? एक पति आपको छोड़ा, प्रेमी आपको छोड़ा, फिर क्या कारण है? प्रेमी तो छोड़ा है वो, उसको हमारे पैसा से प्यार था, वो शादी कर लिया है तब ना हमको छोड़ा है। अगर प्रेमी को पैसा से प्यार था तो आपका पति, हर इंसान को पैसा से प्यार होता है, तो पति क्यों छोड़ दिया? आप ही को कहे छोड़ रहा है लोग? वो तो नशा करता था, दारू शराब पीता था, मारता पीटता था वो। चलिए एक ही डायलॉग को बार बार मत घसीटिए, एक सवाल करना है इनसे। देखिए सर, हमारा यही कहना है कि गुड़िया जो कह रही कि वो दारू शराब पीता था, इसका जो पहले पति था, लेकिन क्या प्रूव्ड है कि वो नशेबाज था? कोई प्रूव्ड होगा नहीं, सिर्फ नशेबाज था, वो इसको छोड़ दिया, इसको भगा दिया है। अगर वो भगाता तो सीधे तौर पे वो तलाक दिया होता इसको, लेकिन तलाक तो नहीं। सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने, तलाक का पेपर है, वो खुद बोला कि तलाक लेंगे, पूरा समाज के सामने, समाज के पास जाइए पूछिए कि सुनील कैसी है, उसकी घर वाली कैसी है, साग सब्जी बेच के बाल बच्चा का पालन पोषण करते थे। अच्छा, बिना तलाक लिए आप कैसे शादी कर सकती है? संविधान का अधिकार नहीं है। हमको जब भगा दिया, तलाक कथी, हमको बोला तलाक देंगे, हमको मार पीट के भगा दिया, तो उससे हम मरने के लिए वहाँ पे हम मर जाते तब तलाक लेते, अपना जान बचाएंगे कि तलाक लेंगे? हमको भगा, देखिए वैसे किसी को मार नहीं दिया जाता है, आपका शादी हुआ था ना, सात फेरे लिए थे ना आप, सात फेरे लेके शादी, बराती साज के शादी हुआ था ना, भाग के शादी नहीं हुआ था, बराती साज के समाज में लोग होंगे ना, सब है, सब समाज के जाके पूछिए कि हमारे में गलती है कि उसके में गलती है। जब आपके ऑलरेडी पांच बच्चे की माँ है आप, तो फिर दूसरा शादी क्यों किए? हम दूसरा शादी नहीं किए, हम वहाँ काम करते थे, ये हमको झांसा में लाया नीतीश मंडल। नहीं देखिए, बताइए आप नीतीश मंडल के झांसा में फंस गए, कल अगर कोई और आपको झांसा दे उसके झांसा में फंस जाइएगा आप? ऐसा नहीं होगा आप ना। सतीश जी एक सवाल इनसे करना होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पहला पति को छोड़ सकती है तो दूसरा को छोड़ के तीसरा पे भी ट्राई करेगी, अगर ये सवाल हो गया तो जितना ये इसके ऊपर लगा रही है इल्जाम और ये इनके ऊपर पीछे भाग रही है, ये अगर छोड़ के मतलब इनको रखना नहीं चाह रहा है नीतीश मंडल, तो वो पति पहले वाला पे भी उतना प्रयास किया जाए इनसे? हाँ बिल्कुल, क्यों करेंगे? जो मर्द अपना घर वाली को कहीं पर भी इज्जत से बेइज्जत कर देगा, अगर आप लोग के सामने कहीं पर इनका सवाल समझे आप दूसरा पति को पाने के लिए जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, कानून पुलिस कर रही है, पहला पति जब छोड़ा था तब क्यों नहीं कानून पुलिस किए? इसीलिए नहीं किए कि वो हमारा इज्जत नहीं करता था, क्या करते? ये इज्जत कर रहा आपका, ये भी नौटंगी, नौटंगी बाजी मचा के रख दिया है आप लोग बिहार में। ये तो नौटंगी मत नहीं, देखिए ये तो नौटंगी,
हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, नौटंकी मत, घिना कर अभी जैसे लोगों की वजह से है ना समाज में जो है ना गंदगी फैल गया है, समझ गए ना, कहीं ना कहीं जो उन लड़का को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, गलत गलत लड़का से जो है आपको जो इंसाफ नहीं करना चाहिए उस टाइम। आप क्या कर लिए, क्या चीज देखकर कर लिए, विश्वास को छोड़िए ना, विश्वास का तेल लेने के लिए वो बोला कि हम तुम्हारे दुख सुख में काम देंगे, हमको उस पे विश्वास हुआ, हमको थोड़ी मालूम था कि हमको विश्वास हुआ, हमको थोड़ी मालूम था कि मेरे साथ ऐसा करेगा। आपके पास बच्चा है जी? क्या को बच्चा? चार बच्चा है। चार बच्चा है और एक बच्चा कहाँ है? वहाँ है आपके पति के पास, वो अपना बच्चा रख रहा है ना जी। उनके जो है की प्रॉपर्टी में आपके बच्चों का तो हिस्सा होगा ना? हिस्सा होगा, प्रॉपर्टी रखेगा तब ना होगा, पूरा बेच बेच के दाम। एक बात, ये तो हूबहू जान रही होगी, मोबाइल भी रखती है, बड़े वाले मोबाइल, लेकिन ये घटना काफी होता है जो कि पत्नी। ये मोबाइल मेरे पास पहले थोड़ी था, ये मोबाइल जो है नीतीश मंडल का है। लेकिन आपको पता होगा ना, आप एक पांच बच्चे की माँ है, कितना उम्र है आप, कितना उम्र है आपको, इस बात आपको पता होना चाहिए। मेरा एक करवे सवाल है गुड़िया जी, मेरा एक करवे सवाल है, सुनिए, मेरा एक करवे सवाल ये है, जब आप लुधियाना में 3 साल तक उनके साथ रहे, जब आप खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उनसे देता हुआ सिंदूर की निशानी है कभी है? सो कहिए, कोई प्रूफ है? सब प्रूफ ही मिटा दिया, कोई प्रूफ नहीं है। रो के गुमराह मत कीजिए, रो रो कर भावनात्मक तरीके से अटैक करना चाहती हैं हम लोगों पर, हम लोग भावनात्मक चीजों पे नहीं बहते हैं, गलती है। बहन का रिश्ता बना के हम लोग दोनों वहाँ रहते थे, क्या बोलने के लिए चाहते इस बात को आप बोलिए? देखिए, आंसू जवाब नहीं देगी, आपको जवाब खुद देना होगा। आपने कहा कि नीतीश मंडल के बोले, अगर हम गलत है ना, हम एक को ही गलती के, मेरा घर वाला अगर सही रहता तो हम बाहर नहीं जाते, अगर वो हमको अच्छा से रखता, इज्जत से रखता तो हम थोड़ी भटकते। अगर हम वहाँ गए, हम काम करके खा रहे थे, तो क्या हमारा गलती है? काम कर रही थी आप? जी हम काम करते। कितना टका कमा रही थी? हम वहाँ 9,500 रुपया कमा रहे थे। क्या चुल मचा था प्रेम प्रसंग करने का जब पेट पालिए रही थी? हमारी दोनों बेटी भी काम करती थी, हमको कोई हमको झांसा में लाया ना, ये बोला कि तुम्हारे दुख सुख में काम देंगे, तुम्हारा बाल बच्चा का बाप का दर्जा देंगे, इस पर हमको विश्वास हुआ ना, 2-3 महीना बात किए तब उसके बाद हमसे शादी किया। एक सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये अपने क्या कहते पति को छोड़ करके यहाँ अररिया आ गई, जब उस समय ये सोचती तो ये हालात नहीं आती। एक सवाल और है कि या दूसरे को खोजने का मतलब क्या बनता है? जब पति बीमार हो जाए या मरने कगार पे आ जाए, उसी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए इनका उम्र लगभग कितना हो गया, मेरे ख्याल से 30 या 35 लगभग हो गया होगा, तीस या पैंतीस लगभग हो गया होगा, मेरे ख्याल से इनके बच्चे भी क्या 18-19 साल के होंगे, लगभग 18-19 साल के लगभग इनके बच्चे होंगे, वो कमाने वाले वो भी हो गए, कमाने वाली वो भी हो गई है, ये भी कमाने वाली थी। अच्छा एक बात बताइए, एक पति अगर बीमार हो जाए, एक पति क्या कहता बेबस हो जाए, पैर से आँख से या हाथ से, क्या वो पत्नी अपने क्या कहता पति को कमा के जीवन भर नहीं खिला सकती है? क्यों नहीं खिलाएगी? अगर पति बीमार हो जाए तो पत्नी खिलाएगी, क्यों नहीं खिलाएगी? मरते सुनिए पहले, मरते दम तक खिलाएगी, लेकिन जो पति कमा के दारू शराब पिए, घर वाली का कोई इज्जत नहीं करे, हमेशा मार पीट करे, घर वाली क्या करेगी? नहीं नहीं सुनिए, जब घर से बाहर आप निकालिएगा तो क्या करेगी आपकी घर वाली? मेरा सुनिए, जिस समय आपकी पति, वो पहले पति जो आपको मार पीट कर रहा था, दारू शराब पी रहा था, तो आप पुलिस कंप्लेंट किए? हम किए, हमारे नेहरा में जाइए आप लोग, समाज साथ नहीं दिया। देखिए समाज कौन साथ, समाज उसको थूक दिया कि तोरा पर रहबो कोई नहीं करेगा, तुम उसको बार बार गंजन करता, चौकीदार थाना पुलिस सब उसको मार पीट के समझाता था, कोई नहीं। मेरा भाई माना कि आपका पहला मेरा भाई मार के उसका पैर तोड़ दिया, हमको इतना गंजन करता था ना, पैर तोड़ दिया मेरा भाई, फिर भी उसको कोई समझ नहीं, मेरा इज्जत नहीं है, कहीं भी कुछ कर देता था, कहीं भी रोड पर बाल खींच के मारने पीटने लगता था। पिताजी थे आपके, क्या कहते वहाँ? हमारा पिताजी बहुत बुजुर्ग है, सुनिए मेरा भाई है, मेरा भाई है सब कुछ, मेरा भाई उसको समझाने से नहीं समझा, मार से उसको पैर तोड़ दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं। अभी आपका भाई साथ दे रहा है? नहीं अभी, हमको कैसे, हम अपना कमाने के लिए ना लुधियाना गए, लेकिन हम भी गलती किए कि इसके झांसा में आ गए, हम इस पे विश्वास किए, इससे शादी कर लिए, तो हम तो सबसे टूट गए, हमको कौन काम देगा? आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? हमको हो रहा है, बहुत एहसास हो रहा है कि मेरे साथ गद्दारी किया, गलती का एहसास क्यों नहीं हो? रोइए मत, आप लोग अररिया को कहे
है गंदा करना चाहती हैं? हम क्यों अररिया के गंदा, गंदा तो नीतीश मंडल कर रहा है कि 3 साल हमारे साथ रह के हमसे शादी रचाए, हम कोर्ट में नहीं शादी के, हम हमारे मांग में सिंदूर डाल के हम 3 साल मेरे साथ रहा है। अभी बोलता है हमारी बहन किसी टाइम बोलता है कि हम नहीं चिन्हते, किसी टाइम बोलता है कि मेरे रूम से बगल में रहते, अगर हम झूठ बोलते तो मेरे लुधियाना चलिए, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पूछिए, वहाँ जाके समझिए आप लोग कि हम झूठ है कि वो झूठ है। अच्छा। हम उसके साथ रहे, हमारा इज्जत से उखेला है नीतीश मंडल। चलिए, आप रो रो कर ये भी कह रही थी कि मेडिकल जांच भी हम तरह, हाँ मेडिकल जांच करवाए, अगर हम गलत है तो हमको सजा होना चाहिए। हम अररिया जिला को गंदा कर रहे हैं ना, अररिया क्या पूरा बिहार को गंदा कर रहे, अगर हम गलत है तो हमको सजा होना चाहिए, नहीं तो हमको न्याय चाहिए।